साल से हो ना आप यहाँ पे, कैसी है लाइफ यहाँ पे? अच्छी है। साउथ कोरिया भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में आता है। साउथ कोरिया में तकरीबन आधे से ज्यादा लोग भाई प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके हैं भाई, वो या फिर नाक सीधा करवा चुके हैं या फिर वो भाई कुछ ना कुछ ना मुंह पे सर्जरी करवा ही रहते हैं। हर लोगों यहाँ पर परफेक्ट दिखना है, साफ सफाई पे और भाई डेकोरेशन पे काफी अच्छा काम करते हैं। आप देखिए ना भाई कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। नॉर्मल स्क्वायर है, कोई फेमस जगह नहीं है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर ऐसा माहौल देखने मिलेगा। लंबी स्काई स्क्रैपर, सारे बड़े बड़े ब्रांड, क्या ही नजारा है भाई। आई एम अ ट्रैवल यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। कोरिया की टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है वो के पॉप की वजह से आता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमको भाई ये सारी चीज फ्री मिल गई है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो, एक नए सीरीज से। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे हम फाइनली पहुंच गए हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जापान की भाई इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी कमेंट में, आप लोग बोले थे कि भाई साउथ कोरिया जाओ, जापान जाओ, तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं साउथ कोरिया। अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई साउथ कोरिया तक कैसे पहुंचा, वो वीडियो कहां पर है? तो भाई हुआ ये, मेरी जो फ्लाइट थी वो थी मुंबई से कुआलालंपुर मलेशिया, फिर मलेशिया से मेरी फ्लाइट थी सोल साउथ कोरिया के लिए। लेकिन भाई जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा मेरा फोन मैं घर पे भूल गया था भाई, दो दो फोन कैरी करता हूं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो भाई इसी वजह से भाई मैं वीडियो बना नहीं पाया, भाग भाग के लेट एयरपोर्ट पहुंचा, बहुत दिक्कत सी हो गई। और आप लोगों को एक और बताऊं, साउथ कोरिया जो है भाई यहाँ का वीजा भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। मैं बिना वीजा आया हूँ साउथ कोरिया का, मेरे पास वीजा भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई को मिल गया यूएस वीजा। अगर आपके पास यूएस वीजा है और अगर आप कोरिया में ट्रांजिट कर रहे हो तो आप 30 दिन कोरिया बिना वीजा आ सकते हो। ये भी देखिए भाई वहां पर है मेरा हॉस्टल, वो आप लोगों को मैं आराम से दिखाऊंगा। और यहाँ की गलियां वगैरह देखिए भाई कितनी ज़्यादा अलग लग रही है भाई, थोड़ी सिमिलैरिटी चाइना जैसी है लेकिन भाई बहुत मज़ा आएगी एक्सप्लोर करने, तो चलिए चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब सिमिलैरिटी चाइना जैसी थोड़ी थोड़ी है तो, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा अलग भी लग रहा है भाई। यहाँ का आर्किटेक्चर, घर वगैरह देखिए, चाइना में कैसा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी भाई, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है लेकिन जो छोटी बिल्डिंग है भाई वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है यार, बहुत ही सही लग रहा है। तो देखिए भाई हम यहाँ से निकले हैं और आ गए हम ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो यहाँ के मेन रोड पर। और भाई यहाँ मेन रोड पर भी आप देख सकते हो भाई लाल कलर का पेंट करके रखे हैं, जिस वजह से भाई कितना सही लग रहा है भाई। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, ये जो ईस्ट एशियन कंट्री है ना भाई, जैसे जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गए, ताइवान, चाइना, भाई ये लोग ना भाई साफ़ सफाई पे और भाई डेकोरेशन पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जिस वजह से भाई शहर और खूबसूरत लगता है। आप देखिए ना भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। और यहाँ से हम आए हैं, यहाँ पर छोटी छोटी भाई ट्रेडिशनल टाइप के घर थे, ये देखिए। और यहाँ देखिए भाई आप लोगों को लंबी लंबी बिल्डिंग और कार वगैरह, भाई ये बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री है। और थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, साउथ कोरिया एक टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री थी, हद से ज़्यादा गरीब थी, लेकिन भाई आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री बन गई है। तो भाई वो सारा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को आगे के वीडियोस में धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए चलते हैं भाई मेट्रो स्टेशन, बस यहां से मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट चलूंगा ना उसी तरफ है। देखिए भाई ऐसी कलरफुल चीज़ें आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगी। ये कुछ भाई कैफे सा है, ये देखिए सामने बड़ा सा आप देख सकते हो भाई, ये कुछ शोरूम है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को बहुत सारी भाई ई स्पोर्ट्स और भाई गेम वगैरह की शॉप देखने मिलेगी, क्योंकि भाई साउथ कोरिया को बोलते हैं जो ई स्पोर्ट्स है उसका हेवन है, यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा चलता है। और यार जहां घूमो ना भाई पूरा कलरफुल सी चीजें दिख रही है। तो भाई चलिए चलते हैं भाई मेट्रो स्टेशन, नहीं तो मैं यहीं घूमते रह जाऊंगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ, वो तो आप लोगों को बताया नहीं, तो भाई मैं जा रहा हूँ गगनम डिस्ट्रिक्ट में। मेरे साथ आज एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के एक लोकल स्टूडेंट है जो कि तकरीबन यहाँ 2 साल से, तो मतलब भाई लोकल रहेंगे तो और मजा आएगी। भाई साहब वो देखिए हम वहाँ से चलते चलते आए हैं, अब ये यहाँ के नॉर्मल स्क्वायर पे पहुँचे हैं। और भाई यहाँ का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा अच्छा डेकोरेट करके रखे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल स्क्वायर है, कोई फेमस जगह नहीं है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर ऐसा माहौल देखने मिलेगा। और देखिए भाई यहाँ कचरा वगैरह जो रहता है ना भाई उसको बांध के साइड में रखते हैं और टाइम टू टाइम भाई कचरे वाली गाड़ी आती है उसको उठा के लेके जाती है। कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, सारा कुछ कलरफुल यहाँ पर वो लगा के रखे हैं फ्लावर वगैरह। और गाड़ी वगैरह देखिए भाई यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी देखने मिलेगी, यहाँ पर लोग साइकिल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर है हमारा मेट्रो स्टेशन। भाई मेट्रो स्टेशन जाने से पहले ही मैं आप लोगों को भाई क्या क्या चीज़ दिखा रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब ये देखिए, ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, इसका नाम है होंगेक यूनिवर्सिटी स्टेशन। ये आपको ज़रा भी स्टेशन लग रहा है? ये देखिए ऊपर बड़ा सा भाई, शायद कोई बिल्डिंग, ये शायद कुछ मॉल है या फिर कुछ ऑफिस वगैरह है। और जो मेट्रो स्टेशन है वो ज़मीन के नीचे है, तो हमको यहाँ से एंटर करना है। तो भाई मेट्रो स्टेशन में अंदर जाने से पहले
पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को सोल की मेट्रो के बारे में बता दूं। भाई यहाँ पर साउथ कोरिया में कैसा है ना कि आप मेट्रो स्टेशन के अंदर जाके जोर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि भाई यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं और बात जोर जोर से करना भाई उनको पसंद नहीं है। और मेरे से भाई जब वीडियो बना दो तो जोर जोर से ही बात होती है। तो भाई यहाँ की जो मेट्रो सोल की मेट्रो, इसको बोलते हैं भाई दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो बाय रूट। तकरीबन 1300 किलोमीटर का रूट है इसका, और आज से तकरीबन भाई ये 50 साल पहले चालू हुई थी 1974 में, जब भाई ये बहुत ही गरीब कंट्री थी, फिर भी इनके पास मेट्रो आ गई थी। तो भाई चलिए चलते हैं। तो देखिए भाई हम एंटर हो गए हैं सोल की मेट्रो में, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो में। तो चलिए भाई यहाँ से टिकट निकालते हैं। टिकट निकालना भाई मैं एक दो बार ट्रैवल किया हूँ तो सीख लिया हूँ यहाँ से। तो चलिए भाई यहाँ से टिकट निकालते हैं एक और निकलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश ऑप्शन भी मिल जाएगा और ट्रेन स्टेशन सेलेक्ट करते हैं। देखिए भाई हमको यहाँ जाना है गंगनम पे। देखिए भाई यहाँ पर अब सेलेक्ट करना है कितने पैसेंजर है। एक एडल्ट की टिकट, ये देखो 2100 की आ रही है भाई एक टिकट। डालते हैं भाई नोट। ये जो 2100 है भाई ये तकरीबन बनते हैं इंडियन करेंसी में, आप बोल सकते हो तकरीबन भाई 100 रुपये से ज़्यादा ही होता है। चलिए भाई टिकट निकालते हैं यहाँ से। ये आ गया हमारा कैश। चलो भाई, तो भाई हमारे को हमारे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 1600 वोन लग रहा है, जो कि इंडियन करेंसी में 100 बनता है, 103-104 रुपये बनता है। आप लोगों को यहाँ की करेंसी के बारे में तो बताया नहीं भाई, यहाँ का जो कोरियन वोन है वो तकरीबन 1.5 कोरियन वोन इंडिया का 1 रुपये बनता है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ की करेंसी छोटी है तो भाई ये कंट्री अमीर कैसे हुई। तो भाई करेंसी का कंट्री से कोई लेना देना नहीं होता, वो आपको आगे बताता हूँ। तो अभी हमको लाइन 2 पे जाना है, लाइन 2 तो इस तरफ है। तो चलिए चलते हैं भाई लाइन 2 पे। और देखिए भाई यहाँ पर अंदर सारे आप लोगों को कुछ छोटे मोटे कैफेज़ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, तो चलिए चलते हैं। तो भाई देखिए हम आ गए हैं सोल मेट्रो के अंदर एकदम प्लेटफॉर्म पे, और भाई यहाँ का जो फ्लोर है वो देखिए भाई कितने पुराने डिज़ाइन में, ऐसा लग रहा है भाई कि हम 20-30 साल पहले वाली मेट्रो में आ गए। देखिए ना कितना पुराना सा फ्लोर लग रहा है, लेकिन साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, सारी कुछ चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास है। और हमको जहाँ जाना है भाई वो यहाँ से तकरीबन भाई 17 स्टॉप है भाई, 38 मिनट लगने वाला है। तो रुकते हैं भाई यहाँ पर आने वाली हमारी मेट्रो। देखिए सामने वाली मेट्रो आई है तो कितने सारे लोग उतरे हैं, चलिए भाई यहाँ पर वेट करते हैं। तो देखिए भाई सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो का, यहाँ तकरीबन 3-4 मिनट बाद आने वाली है, और यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग सी है। और देखो यहाँ जो एडवर्टीजमेंट पे जो भाई दिख रहे हैं आपको, इसको आप लोगों ने कभी ना कभी देखे ही हो गया। आप कभी अगर कोरियन मूवी देखे हो, जैसे ट्रेन टू बुसान हो गई, वो मूवी में भाई ये साहब थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कोरिया में। तो भाई लग रहा है हमारी ट्रेन ये कैसी आवाज़ आ रही है भाई ये देखो भाई ऐसी आवाज़ आती है जब मेट्रो आती है यहाँ पे, एकदम भाई शहनाई बजी है मेट्रो आने से पहले। चलिए भाई तो भाई तकरीबन 40 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं, आप बोल सकते हैं दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेशन गगनम स्टेशन। और यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर इतनी सारी स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, कितना ज़्यादा एडवांस है भाई, शायद दुनिया में ना ऐसे बहुत ही कम जगह पे आप लोगों को देखने मिलेगा। तो चलो भाई बाहर निकलते हैं और आपको मिलाता हूँ भाई जिसके साथ आज हम एक्सप्लोर करने वाले भाई, जो यहाँ पर तकरीबन 2 साल से हैं। चलिए भाई, यहाँ पर कितनी स्क्रीन लगी हुई है यार। तो भाई देखिए ये मेट्रो स्टेशन से हम निकले हैं, गगनम मेट्रो स्टेशन एग्जिट 11, और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो भाई, सारी लंबी लंबी बिल्डिंग है, आप लोगों को बहुत ही बड़े बड़े आप लोगों को यहाँ पर ब्रांड स्टोर्स देखने मिलेंगे। तो भाई इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को मिला दूँ, ये है मिश्ता, ये हैं यहाँ पर साउथ कोरिया में तकरीबन पिछले 2 साल से हो ना आप यहाँ पे। कैसी है लाइफ यहाँ पे? अच्छी है, मुंबई जैसी है। मुंबई जैसी है? मुंबई जैसा सस्ता है नहीं ना? काफ़ी एक्सपेंसिव है साउथ कोरिया भाई, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में आता है एशिया में। देखिए भाई आप लोगों को यहाँ पर PSY गंगनम स्टाइल का पूरा स्टैचू वगैरह देखने मिलेगा। आप लोगों ने भाई ये ज़रूर देखा होगा, 2012 में गाना निकला था, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, ये दुनिया का सबसे पहला गाना था जो 1 बिलियन व्यू गया था यूट्यूब पे। ओपन गंगनम स्टाइल। और आप लोगों को गगनम के बारे में बता दूं, गगनम जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सोल शहर के अंदर आती है भाई। ये सारा जो देख रहे हो भाई स्काई स्क्रैपर लंबी लंबी बिल्डिंग है, ये आता है सारा कुछ गगनम में। और भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव घर, सबसे एक्सपेंसिव ऑफिस, और सारी बड़ी बड़ी चीज़ और सारी महंगी महंगी चीज़ें वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। ये एक आप बोल सकते हो एक स्टेटस सिंबल है साउथ कोरिया का, जो सारे अमीर लोग हैं, जो बड़ी बड़ी ऑफिसेस है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा भाई जो सैमसंग कंपनी है वो साउथ कोरिया की है, उसका जो हेडक्वार्टर है, सबसे मेन ऑफिस है, वो भी आप लोगों को गगनम में देखने मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ की जो एक और बहुत फेमस ब्रांड है जो आप लोगों को मालूम ही होगा भाई, सबके घर में कुछ ना कुछ वो ब्रांड का सामान रहता है, वो है LG।
उसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को गगनम में देखने मिलेगा। तो आप बोल सकते हो भाई यहाँ पर अगर किसी को बोलना रहता है ना कि भाई जैसे हमारे इंडिया में साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाले लोगों को बोलते हैं कि भाई अमीर लोग हैं, वैसे ही सेम साउथ कोरिया में जो गगनम के लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा अमीर और एक स्टेटस सिंबल हो जाता है। और आप यहाँ का नजारा देख सकते हो कितना ज्यादा डेवलप आप लोगों को देखने मिलेगा, सारी लंबी लंबी स्काई स्क्रैपर, सारे बड़े बड़े ब्रांड आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे। और क्या ही नजारा है भाई, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और भाई ट्रैफिक वगैरह काफी अच्छी होती है। और ट्रैफिक और भाई ये पॉपुलेशन के बारे में बता दो आप लोगों को साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 52 मिलियन है, उसमें से भाई जो आधी पॉपुलेशन है 26 मिलियन वो आप बोल सकते हो सोल का जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जैसे हमारे दिल्ली में एनसीआर है, सोल का जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें भाई आधे लोग रहते हैं, मतलब 26 मिलियन लोग रहते हैं भाई सोल शहर के नेशनल कैपिटल रीजन में। तो ऐसा कुछ सारा सीन है, इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक वगैरह देखने मिलेगी। जो हमारे साथ में थे मिश्रा, देखे वहां पर वो कुछ तो देख रहे हैं भाई, वहां पर ये कुछ छोटा सा स्टॉल से लगा के रखे हैं, वहां पर कुछ सामान वगैरह है। तो चलते हैं देखते हैं भाई वहां पर क्या है, फिर उसके बाद भाई देखते हैं कि यहाँ से कहाँ जाना है क्या करना है। और यहाँ पर भी आप लोगों को ऐसी साइकिल वगैरह मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक साइकिल है सारी, वहां से कोड स्कैन करो और इसको लेके निकल सकते हो। तो देखिए भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नजारा है, तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है। कैन आई रिकॉर्ड? नो प्रॉब्लम। क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? Directly to the web page. Mm-hmm. So just visit the web page and then you can participate. This is from the Korean government to promote tourism. To promote tourism, I am here to promote tourism. I am a travel YouTuber from India. Okay. So this is run by the Korean government. Mm-hmm. A big part of Korean culture is K-pop and K-beauty. Ah. So we're promoting K-pop mm-hmm. and K-beauty. तो भाई जैसा कि आप लोगों ने सुना कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक टॉल लगा के रखे है भाई टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और ये बताया कि भाई जो कोरिया की टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है वो के पॉप की वजह से आता है। आप लोगों को मालूम ही होगा भाई के ड्रामा, के पॉप और भाई के सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, तो भाई इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। तो वो सारी चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कोरिया की गवर्नमेंट ऐसा छोटा सा भाई देखिए स्टोर लगा के रखे हैं। देखिए लिखा है के कल्चर पॉपअप स्टोर, यहाँ पर आप स्कैन करके यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये सारे कुछ यहाँ के जो के पॉप आर्टिस्ट, ये के पॉप आर्टिस्ट है मिस्टर? इसमें से मुझे तो मालूम नहीं भाई के पॉप के बारे में ज़्यादा, लेकिन ये के पॉप के आर्टिस्ट मुझे सिर्फ एक दो पता है, रिकी। अच्छा अच्छा, ये सारे के पॉप के इधर वाले। अच्छा देखिए आप लोगों को मालूम होगा तो बताना भाई इसमें से K-pop के क्या क्या नाम है इनका, ये बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन मुझे इतना ज्यादा इनके बारे में मालूम नहीं है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर स्टॉल लगा के रखे हैं। देखो भाई यहाँ गेम खेल रहे हैं, स्टार्ट दबाए। क्या मिला? ये क्या होता है? ये मिला यहाँ पे गेम खेले स्टार्ट दबाए तो यहाँ पे ये जीते हैं। क्या बात है, मिलेगा कि नहीं? तो भाई कोरिया में फ्री की चीज मिल जाती है फ्रीबीज, तो यहाँ पर देखते हैं भाई ये मिला है कि नहीं। पहले स्पिन करे तो ये कार्ड्स मिले और दूसरी बार स्पिन करे तो ये मिले ना शायद? हाँ, ये मिला। ये भाई मैं भी एक बार स्पिन करके देखूंगा भाई मुझे क्या मिलेगा। मैं तो भाई ये सब के पॉप वाले लोगों को ज्यादा जानता नहीं हूँ, जो जानता रहेगा भाई उसको मैं गिफ्ट कर दूंगा भाई अपनी तरफ से। क्या हुआ क्या हुआ? भाई तो भाई ये दिन में सिर्फ एक मिलता है, वो एक इनको मिल गया। क्या है वैसे ये? एक मुझे तो अच्छा कॉम्पैक्ट सही है ना। मैं भी स्पिन करता हूँ मुझे क्या मिलेगा भाई। वैसे तो मैं ये स्किन केयर का कुछ लगाता नहीं हूँ, ये बड़ा वाला मिल जाए तो कुछ काम आ जाए। और बाकी तो देखते हैं, ले लेना अगर मुझे निकला ना वो ले लेना तुम। इट्स माय टर्न। तो भाई अब मेरी बारी है, स्टार्ट करते देखते हैं भाई क्या होता है स्टार्ट। आई एम नॉट दैट ब्यूटी सैंपल्स। यहाँ पर हम जीते जा रहे हैं भाई यहाँ पर स्पिन कर करके, तो देखते हैं भाई ब्यूटी सैंपल्स में क्या है। थैंक यू सो मच। हाउ डू से थैंक यू इन कोरियन? एफ कम समिदा सो थैंक यू सो मच। देखिए भाई मुझे ये सारी चीज़ मिली है। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा हमको भाई ये सारी चीज़ फ्री मिल गई है। ये भाई इसमें कुछ है क्लेंसिंग फोम है, इसमें सनस्क्रीन है, इसमें क्या सारी चीज़ें भाई मुझे तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है। ये कुछ स्किन केयर बीबी क्रीम ओरिजिनल है। और देखो ये मिला है यहाँ पर भाई, ये लकी है। ये जो चीज़ है ना भाई कॉम्पैक्ट, ये पूरे दिन में सिर्फ एक रहता है और एक ही आदमी को निकल सकता है पूरे दिन में, वो निकल गया यहाँ पे। मैंने ले लिया। ये भी रखो ना, ये क्या ही करूँगा मैं, बाद में दे देना। ये देखो भाई ये मिला है। और वैसे लेते तो बाहर कितने का आता है ये? हजार दो हजार तीन हजार रुपए का आता।
भाई 2000 रुपये की चीज़ फ्री मिली है। सही है भाई, साउथ कोरिया का पहला इंप्रेशन जो है ना मस्त हो रहा है यार। और भाई हम वहाँ से निकले और यहाँ पे देखिए सारे लोग, भाई यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें हैं, लोग देखिए कितने सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे। और यार यहाँ भी देख सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा कलरफुल दुकानें आप लोगों को देखने मिलेगी। यहाँ पर भी वही सारे कुछ सुवेनियर मिल रहे हैं ये देखिए भाई। और साउथ कोरिया के सुवेनियर वगैरह तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया में लोग मरते हैं भाई ये सारी चीज़ों के लिए जो यहाँ पर मिलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ, थोड़ा अंदर चलते हैं देखते हैं देखते हैं भाई क्या क्या है। अरे काफ़ी बड़ी दुकान है यार ये तो, यहाँ पर आप लोगों को स्नैक्स वगैरह भी है, यहाँ पर सारे कोरियन स्नैक्स आप लोगों को सस्ते में मिल जाएंगे। ये इंडिया में इसका इतना ज़्यादा डिमांड है भाई, ये सारी चीज़ें ना भाई डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रेट दे के लोग मंगाते हैं। यहाँ पे देखिए भाई ये क्या मालूम ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कुछ भाई सामान है, देखिए कोरियन चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है आजकल। और देखिए ये क्या है, ये कुछ भाई ये बॉय नेक्स्ट डोर, ये कुछ तो भाई मुझे लग रहा है वही BTS वगैरह लाइट स्टिक्स। चलिए थोड़ा सा मैं अंदर भी देखता हूँ क्या सारी चीज़ें भाई यहाँ पे। यहाँ पे देखिए भाई कुछ पोस्टर बैनर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर भाई, जो BTS के ना भाई उसके सुवेनियर आप लोगों को यहाँ पर भरपूर मिलेंगे। देखिए भाई आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट का सामान खरीदो यहाँ से BTS वाले, भाई कितना सारा फोटो वगैरह लगा हुआ है यार इनका, के पॉप और भाई सारा कुछ जो उनका भाई सुवेनियर चीज़ें हैं ना उससे भरी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए के मेका, उसका मतलब ये है कि भाई ये के जो पसंद करते हैं ना भाई के पॉप और भाई जो के BTS आर्मी वगैरह पसंद करते हैं उनके लिए भाई ये जन्नत जैसा है उनके हिसाब से। भाई मुझे तो भाई ज़रा भी मालूम नहीं उनके बारे में, ये मालूम है कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा भाई कोरिया को ना भाई बहुत ज़्यादा वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को के पॉप की हर चीज़ मिल जाएगी A to Z, बैनर पोस्टर ईयरिंग्स वगैरह सारी चीज़ें यार, और बहुत ही अच्छा डेकोरेट करके रखे हैं। सही है यार, बड़ा सही लग रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ओ भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये सारा कुछ फ्रिज मैग्नेट है कि क्या है ये, ये फ्रिज मैग्नेट रहेगा तो अच्छा, ये तो स्टिकर है भाई, मुझे लगा फ्रिज मैग्नेट है, यूट्यूब की जगह यू क्यूट लिखा हुआ है। भाई ये तो मस्त लग रहा है यार, इसमें से मैं ले लूँ क्या, बहुत सही सही है यार। देखिए स्टारबक्स ये बर्ड बक्स लिखा हुआ है, 7-Eleven की जगह 7-Lucky लिखा हुआ है कि कैसे। सही सही पोस्टर है यार, ये तो फ्रिज पे लगा सकते हैं। वैसे मैं फ्रिज मैग्नेट लगाता हूँ, आप लोगों को मालूम ही होगा भाई अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैं फ्रिज मैग्नेट हर जगह से खरीदता हूँ और मेरी फ्रिज भाई लिटरली पूरी भरी हुई है, ये सब लगा दूंगा तो जगह ही नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा है यार। तो भाई सही बता रहा हूँ, इंडिया में भी मैं इस टाइप के स्टोर देखा हूँ लेकिन ऐसा स्टोर कभी नहीं देखा हूँ भाई, इसलिए साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा फेमस है भाई ये सारी चीज़ों के लिए। ये देखो भाई BTS और अलग अलग भाई कोरियन बैंड पूरे यहाँ फोटो लगा हुआ है उनका। तो भाई ऐसे कुछ होते हैं साउथ कोरिया में नॉर्मल स्टोर, इतने ज़्यादा कलरफुल और इतनी ज़्यादा वेराइटी की और इतनी ज़्यादा भाई डेकोरेटिव चीज़ें, तो ऐसे कुछ स्टोर था भाई, हम चलते चलते बस रैंडम ऐसे घुस गए थे। और ऐसे तो बहुत सारे स्टोर और बहुत सारी जगह है यार ऐसी। तो भाई एक चीज़ तो है भाई, यहाँ के लोगों की जो स्किन है ना इतनी ज़्यादा अच्छी है भाई, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा अच्छी स्किन रहती है। और मैं एक चीज़ पढ़ रहा था भाई, यहाँ के जो लोग आप लोगों को देखने मिलेंगे साउथ कोरिया में, तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग भाई प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके हैं। मतलब भाई यहाँ के आधे से ज़्यादा लोग भाई वो या फिर नाक सीधा करवा चुके हैं या फिर वो भाई कुछ ना मुंह पे सर्जरी करवा ही रहते हैं भाई, क्योंकि भाई यहाँ के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना भाई वो बहुत ज़्यादा हाई है। हर लोग भाई लिटरली हर लोगों को यहाँ पर परफेक्ट दिखना है, तो भाई यहाँ पे जो नाक वगैरह रहती है ना एकदम पतली सी करके रखते हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह सहना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। और ये जो गंगनम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इस वक्त हम हैं, ये भी भाई एक बहुत ज़्यादा बड़ा हब है जहाँ पर होता है भाई सारा कुछ, ये सर्जरी वगैरह जो महंगी महंगी सर्जरी होती है वो लोग यहाँ से करवाते हैं, इस वजह से भाई यहाँ के लोगों की स्किन काफी अच्छी लगती है। अब यहाँ से हम कैब कर लिए, देखिए यहाँ पर कैब आ गई है, कैब कर लिए, हमको जाना है यहाँ से सोल टावर की तरफ, तो चलिए भाई बैठते हैं। तो भाई यहाँ से हम कर लिए काकाओ टैक्सी से कैब बुक कर लिए, हमको जाना है यहाँ से सोल टावर जो कि तकरीबन यहाँ से काफ़ी दूर था, तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर था, तो हमको लगेगा ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो आधा घंटा करीब लगने वाला है हमको। और ये टैक्सी के लिए हम पे करने वाले हैं 12,700 कोरियन वॉन, जो कि ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में आप बोल सकते हो 900 रुपया होता है, 900 ऑलमोस्ट 800 to 900 होता है। चलते हैं भाई सोल टावर, देखते हैं भाई वहाँ पर क्या है। और यहाँ पे देखिए भाई एप्पल के बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह आप लोगों को देखने मिलेंगे और ट्रैफिक भी काफी ठीक ठाक सी है। और ये देखिए जो गाड़ी से हम जा रहे हैं वो देखिए वो हुंडई की गाड़ी है, और सामने भी आप देख सकते हो वहाँ भी हुंडई की गाड़ी है, इस तरफ किया की है और देखिए आगे भी किया की। ये जो किया हुंडई है ये सारी कुछ साउथ कोरियन ब्रांड है। ये कौन सी गाड़ी है भाई, पोर्श है भाई, ये यहाँ की नहीं है। तो ये देखो भाई साहब यहाँ पे हमारे टैक्सी वाले भाई ने उतारा, अब हमको पूरा ऐसा हाइक करके ऊपर जाना है। अब वो कितना डिस्टेंस है वो तो मुझे मालूम नहीं, कितना ऊपर है यहाँ से, बहुत ऊपर है भाई, हालत खराब होने वाली है भाई। देखिए पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है, वहाँ पर हमको मिलेगा भाई, क्या नाम है टावर का, नामसांग टावर है भाई। चलिए भाई चलते हैं, और नामसांग, नामसांग मतलब माउंटेन होता है,
सन, अच्छा नामसान टावर है। तो भाई साहब देख सकते हो हम कहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए, कितना चढ़ के ऊपर आ गए। और भाई हरियाली तो काफी अच्छी है भाई, जो यहाँ पर ठंडी है ना भाई वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम पहाड़ के थोड़ा और ऊपर आ गए हैं। अभी हमको यहाँ से और ऊपर जाना, किस तरफ जाना है इस, देखो ये भी कंफ्यूज है, इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। तो देखते हैं भाई कहाँ जाना है, दोनों तरफ तो घना सा जंगल ही जैसा है। ये देखो भाई अभी हम कंफ्यूज थे कि किधर जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई जब नामसान टावर है वो इधर से भी जा सकते हो आप, इधर से भी जा सकते हो, तो दोनों तरफ लोगो बना हुआ है। तो यहीं से चलते हैं भाई, यहाँ से बस वगैरह साइकिल वगैरह वाले जा रहे हैं। यहाँ पे हालत खराब होने वाली है यार, अभी हम लोग थोड़ा सा चले हैं हालत खराब हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीप में। तो भाई साहब तकरीबन हम लोग आधा किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं, और अभी देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई नामसान सियोल टावर यहाँ से 2.1 किलोमीटर है। भाई अभी 40-50 मिनट और चढ़ के जाना है, भाई हालत खराब हो जाएगी यार यहाँ तो। अभी हम लोग आधा किलोमीटर चले हैं, अभी 2.1 किलोमीटर, मतलब नॉर्मल अगर रोड रहे तो भाई 30 मिनट लगता है, तो पहाड़ है 40-45 मिनट लगने वाला है। भाई मौसम तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया, भाई ठंडी बढ़ गई है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर और चलने के बाद भाई हम यहाँ पे पहुंचे। अभी हमको जो डेस्टिनेशन है हमारा वो वहां पे है, जो कि तकरीबन 800 मीटर और ऊपर है। भाई 800 मीटर ऐसा और जाना है, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा व्यू पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से आप लोगों को पूरा का पूरा सोल शहर का अच्छा व्यू देखने मिलेगा। ये देखिए भाई ये पूरा है सोल शहर, उसके चारों तरफ आपको पहाड़ देखने मिलेंगे। अभी ठंडी ज्यादा नहीं हो रही है भाई, अभी जब दिसंबर का महीना आएगा तो यहाँ पर बर्फ गिरना भी चालू होगी। और देखिए भाई वहां पर आप लोगों को दूर पे एक रिवर भी देखने मिलेगी, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई ये जो रिवर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये रिवर का नाम है हान रिवर, जो कि भाई कोरिया की सबसे बड़ी रिवर है। वो सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों कंट्री में चलती है। तकरीबन 508 किलोमीटर लंबी ये रिवर है, जो कि भाई सोल शहर के बिल्कुल बीच से बहती है। और वहां देखिए भाई वहां पर आप लोगों को पूरी स्काई स्क्रैपर और लंबी लंबी बिल्डिंगें देखने मिलेगी। और इस पार्ट में आप लोगों को देखिए भाई छोटे छोटे यार ट्रेडिशनल घर देखने मिलेंगे। ये कंट्री देख के ना भाई इतना ज्यादा सरप्राइज होता हूँ, भाई ये शहर जो देख रहे हो सोल शहर साउथ कोरिया, ये 30 साल पहले भाई गरीबी सीमा के नीचे था। भाई यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, और भाई इस देश को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, आज से तकरीबन भाई आप बोल सकते हो इंडिया के आसपास ही इंडिपेंडेंस मिली थी, आज से 70-75 साल पहले, इसकी जो जीडीपी है भाई वो आज के सोमालिया से भी कम थी। सोमालिया सोचते हो भाई कितनी गरीब कंट्री है, और जो हेती कंट्री जो अमेरिका जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की भाई सबसे गरीब कंट्री है हेती, उससे भी कम जीडीपी थी यहाँ की। यहाँ तक कि भाई जो नॉर्थ कोरिया जो कंट्री थी उससे भी कम जीडीपी थी साउथ कोरिया की। और आज भाई यहाँ की जीडीपी तकरीबन आप बोल सकते हो $2 ट्रिलियन हो गई है, और यहाँ की पॉपुलेशन बस 5 करोड़ है। और भाई जीडीपी पर कैपिटल के हिसाब से देखें तो भाई यहाँ का एक आदमी नॉर्मल एक साल में $36,000 कमाता है, $36,000, जो कि इंडिया से भाई बहुत ज्यादा है, तकरीबन 30 गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी बोलते हैं भाई चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे, लेकिन भाई वो नॉमिनल जीडीपी है, लेकिन भाई जीडीपी पर कैपिटल देखेंगे तो इंडिया बहुत नीचे हो जाता है, और साउथ कोरिया भाई वन ऑफ द टॉप पे आता है। क्या डेवलपमेंट करके रखे हैं यार। तो चलिए चलते हैं, अभी 800 मीटर और बाकी हमको ऊपर जाना है। हमारा डेस्टिनेशन तो देखिए भाई वहाँ पर है वो सोल टावर, और हमारे पार्टनर भाई देखिए जो हमारे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो वहाँ पे है। चलिए भाई चलते हैं, अभी शाम का टाइम भी होने वाला है और काफी अच्छा नजारा है भाई सोल शहर का। अभी तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया हूं। और यार यहां पे ना एक चीज मैं देख रहा हूं, यहां पे जितने भी बूढ़े लोग हैं ना वो ऐसा उल्टा चल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इजी रहता है पीछे। अच्छा अच्छा भाई हो सकता है भाई ये जो पीछे ऐसे ऐसा उतर रहे हैं इसका मतलब ये है कि भाई इजी पड़ता है ऐसा उल्टा उतरना। चलिए भाई हम तो सीधा सीधा चलते हैं। तो भाई एक घंटा बड़ी मेहनत से चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं। देखिए भाई ये है सोल टावर, लेकिन भाई अभी शाम का टाइम हो गया तो ऊपर जाऊंगा नहीं मैं। यहाँ से व्यू लेकिन कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, ये देखिए भाई वहां से भी बहुत ज्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ से आप सोच सकते हो भाई ऐसा कुछ है भाई, ये पिछले 30 साल पहले कुछ भी नहीं था, और आज देखो कैसा हो गया है। पूरे स्काई स्क्रैपर आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे, और इस तरफ देखिए भाई इस तरफ छोटी छोटी बिल्डिंग है, ये देखिए बहुत सही है। तो चलिए ऊपर तो नहीं चढ़ूंगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ना कुछ चीज़ है वो दिखाता हूँ भाई। वहाँ पर पूरा ताला सा बांध के रखे हैं, तो वहाँ चलते हैं वो देखते हैं क्या है, और अगर हुआ तो चढ़ भी जाएंगे भाई ऊपर। तो भाई ये देखिए मेरे पीछे ये है सोल टावर, जो कि मेरा ख्याल है भाई 6 बजे बंद हो जाता है, और अभी आप देख सकते हो 6 बज गए हैं। तो भाई इसमें बाद में कभी चले आएंगे, अभी सोल में तो काफ़ी ज़्यादा दिन है तो ये तो बंद हो गया। लेकिन भाई यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए भाई यहाँ पर आप लोगों को ना 100, 200, 300, 1000 ताले देखने मिलेंगे। ये देखिए भाई यहाँ पर कपल आते हैं, एक ताला खरीदते हैं, अपना नाम लिखते हैं और बांध देते हैं। भाई ये देखिए फॉर इंटरनल लव और ये सारी चीज़ें देखिए, रोहाना नीलू सब अपना नाम लिखते हैं और बांध देते हैं। भाई कोरियन लैंग्वेज में है, चाइनीज लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में भी लिखे हुए लोग। और ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं है,
पूरा वहां तक गया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वहां तक कितने लोग हैं वहां भी है। चलिए चलते हैं भाई। भाई सही बता रहा हूँ, जो मैं पेरिस में देखा था ना, पेरिस से भी ज्यादा ताले लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को पेरिस वाले वीडियो में दिखाया था, उसमें तो भाई सिर्फ 200 300 500 ताले होंगे। भाई यहाँ पे देखो भाई साहब कितनी ज्यादा भीड़ है यार यहाँ पे, क्योंकि भाई वहां से ना पूरा शहर का और भी अच्छा सा व्यू मिलता है और सनसेट भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कैफेज, रेस्टोरेंट और पीछे बिल्डिंग वगैरह देखिए भाई। भाई सोल शहर के चारों तरफ आप लोगों को ऐसी लंबी लंबी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग देखने मिलेगी। और यहाँ पे देखिए छोटी मोटी दुकानें भी है, और देखिए यहाँ पर भी पूरे ताले बंद है। क्या बात है यार, बड़ी भीड़ लगी और लोग सारे उस तरफ का फोटो ले रहे हैं। देखते हैं भाई इस तरफ क्या है। ओ भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यार, सनसेट यहाँ से दिख रहा है इसलिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आईफिल टावर क्या कर रहा है यहाँ पे? चलिए भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो भाई साहब यहाँ पे पेरिस जैसा ताला लगा हुआ है और साथ में भाई नकली आईफिल टावर भी, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाया भाई। ये देखिए ऐसी लग रहा है भाई आईफिल टावर, और ये ताले सारे बंधे हुए हैं। चलिए भाई यहाँ पे तो ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, भाई नीचे जाके हम इंडियन खाना खाते हैं। तो भाई साहब वो पहाड़ से हम बस वस लेके कैसे कैसे करके आ गए हैं वापिस नीचे। अब यहाँ से हमको जाना है इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने। और भाई यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था भाई, यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा अमीरी है भाई। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो भाई, सामने खड़ी है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी है कि कौन सी गाड़ी है भाई मालूम नहीं, लेकिन भाई ऐसी गाड़ी आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगी। और माहौल देखो ना भाई कितना ज्यादा लाइवली हो गया। अभी बस हमको खाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा। और गाड़ी देखो भाई, तो भाई वहां देखिए बस उस तरफ है यहाँ की फेमस होंगडे स्ट्रीट। और होंगडे स्ट्रीट पे भाई बस थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को हेलो इंडिया इंडियन रेस्टोरेंट। चलते हैं भाई यहाँ पर खाते हैं इंडियन खाना। चलो भाई, तो ये देखो भाई ये होने वाला है हमारा खाना। खाते हैं भाई ये बटर नान, ये राइस वगैरह, ये है ग्रेवी। भूख लगी है भाई काफी, चल लिया। वो देखो भाई वो सामने है हेलो इंडिया रेस्टोरेंट, वहां से हम खाना खा के निकले हैं। और देखिए भाई ये है होंगडे स्ट्रीट यहाँ की। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पे सारे आप लोगों को ना भाई यंग लोग देखने मिलेंगे। और देखिए भाई रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे एकदम फुल से यहाँ पर भाई जो खाना रहता है ना वो आपके सामने ही आप बना के उसको खा सकते हो। और ऐसे ही कुछ माहौल है भाई, काफी ज्यादा लाइवली। और पीछे भी देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए ये रेस्टोरेंट में यहाँ पर बाहर आप लोगों को स्केलेटन देखने मिलेंगे। भाई क्या बात है यार। और यहाँ पे देखिए हर टेबल पे आप लोगों को चिमनी देखने मिलेगी जो धुआं ऊपर लेके जाती है। तो भाई अभी ठंडी काफी ज्यादा बढ़ गई है, अभी टेम्परेचर हो रहा है तकरीबन 16 डिग्री। मैं भाई सोचा नहीं था भाई आजकल, अभी मुझे बताया कि भाई 2-3 दिन से ज्यादा ठंडी हो रही है, पहले इतनी ठंडी नहीं थी। क्योंकि भाई मैं जब आने से 2-3 दिन पहले टेम्परेचर देखा था तो भाई मैक्सिमम जो टेम्परेचर उतरने वाला था वो भाई 20-22 डिग्री जा रहा था, लेकिन अभी 16 हो गया। अभी धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ेगा। और मैं सिर्फ एक शर्ट पहनूं तो देखते थोड़ा सा एक आध चक्कर लगाएंगे यहाँ से, फिर मैं जाऊँगा हॉस्टल और आराम करेंगे भाई। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है माहौल। तो भाई देखिए घूम फिर के आ गया वापस मेरे हॉस्टल। हॉस्टल का नाम है हाय देयर। और भाई यहाँ पर हॉस्टल थोड़े से एक्सपेंसिव है, ये मुझे मिल रहा है एक दिन का 2500 रुपये। भाई 2500 रुपये का एक दिन का हॉस्टल है भाई, बंक बेड। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा महंगा है। और भाई 3 माले के ऊपर टेरिस वगैरह भी है। चलिए भाई सब अगले दिन में आप सभी का स्वागत है। कल आप लोगों ने देखा भाई मेरा साउथ कोरिया का पहला एक्सपीरियंस, भाई पहला इंप्रेशन, बहुत सही कंट्री है भाई। आगे आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ ना भाई, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से लेके यहाँ के गाँव, यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की सारी कुछ चीज़ दिखाऊंगा। आई एम श्योर आप इससे पहले इतनी डिटेल में नहीं दे रहेंगे भाई, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आएगी भाई। इस वीडियो को भाई यहीं तक रहने देते हैं तो और लंबा बन जाएगा भाई, अभी कहीं और जाएंगे, दूसरा वीडियो आप लोगों को देखने मिलेगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही मस्त वीडियो के साथ।